बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास किसी भी बैंक का अकाउंट है तो आप लोगों को स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होते हैं। कभी ना कभी आप लोगों को स्टेटमेंट की ज़रूरत हो जाती है, तो ऑनलाइन आप लोग स्टेटमेंट निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं इस पर। आप लोग बैंक अल हबीब से, हबीब बैंक से या UBL डिजिटल एप्लीकेशन से भी आप लोग अपने अकाउंट के स्टेटमेंट जो है वो निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ UBL डिजिटल एप्लीकेशन से स्टेटमेंट निकालने का तरीक़ाकार बताऊंगा। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वो वीडियो जब एप्लीकेशन अपडेट्स हो जाती हैं तो उसमें जो ऑप्शन है थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो बहुत भाइयों ने कमेंट किया कि हमको जो नया एप्लीकेशन अपडेट हुआ है तो उसके बारे में आप नया वीडियो अपलोड करें, ताकि हम वहां से ही नए एप्लीकेशन से जो स्टेटमेंट है हम वो डाउनलोड कर सकें। तो यहां पे आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए, और अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो कोई आप लोगों से पार्ट जो है वो मिस हो जाता है, तो बाद में आप लोगों के स्टेटमेंट या कोई भी ऑप्शन जो है वो सही तरीके से नहीं काम करेगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा ऑप्शन उधर आप लोगों को जाना है तो आप लोग फिर दूसरी जगह जाएंगे, तो फिर आप लोगों का ये काम जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने बात को समझ लेना है, और जब भी एप्लीकेशन अपडेट हो जाती हैं तो कुछ ऑप्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत भाइयों ने ये कमेंट किया था कि हमारी डिजिटल एप्लीकेशन से, UBL डिजिटल एप्लीकेशन से हमारे स्टेटमेंट जो है वो टाइम जो है वो सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। सबसे पहले यहाँ पे मैं UBL डिजिटल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने UBL डिजिटल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, और उसके बाद आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे अकाउंट्स लिखा हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक कर लेना है। मैंने जैसे अकाउंट्स पे क्लिक किया है तो यहाँ पर और ऑप्शन आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये पट्टी पे जो DWM लिखा हुआ है, अगर आप लोग D पे क्लिक करेंगे तो एक दिन का आप लोग इस पे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर W पे करेंगे तो 1 वीक का आप लोग इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। M पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मंथली कर सकते हैं, और Y पे ईयरली आप लोग कर सकते हैं, और अगर आप लोग किसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे तो यहाँ पे एडजेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और ऑप्शन है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लोगों ने खुद सेलेक्ट कर लेनी है। जितनी मर्ज़ी चाहे आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जनरेट करेंगे। और दूसरा तरीका है आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट स्टेटमेंट के यहाँ पे लेस्ट 3 मंथ है, लेस्ट 6 मंथ है, लेस्ट 9 मंथ है, लेस्ट 1 ईयर है, ठीक है। अगर आप लोग इसमें जितना मर्ज़ी चाहे वो आप लोग कर सकते हैं, और जो यहाँ पे कस्टम जो मैंने बताया आप लोगों को पीछे ये लिखा हुआ है जनरेट फ्रॉम करंट व्यू, तो जो पीछे आप लोगों ने किया है तो वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपने मर्ज़ी की डेट सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे कस्टम पे क्लिक करना होगा, जो ब्लू कलर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो दिन सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट जो भी आप लोग अपना ईयर माउथ डे लगा के, और अपनी एंड डेट जो है वो लगा लेनी है, एंड डेट कोई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी है, जितनी डेट लगाएं, जितना दिन ईयर जो भी लगाएं वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी आप लोगों का ईयर जो है चाहिए स्टेटमेंट वो आप लोगों ने ईयर को जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 साल का जो है वो किया है, तकरीबन यहाँ पर 27 डेट है, तो 27 डेट को सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर नीचे भी एंड डेट जो है वो 27 डेट है। तो यहाँ पे मिसाल ऐसे ही मैं कर देता हूँ, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी डेट सेलेक्ट करनी होगी वो यहाँ से आप लोग डेट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया है,
और उसके बाद सेट पासवर्ड। आप लोगों ने पासवर्ड जो सेट कर लेना है, जो भी आप लोगों के स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएंगे वो पीडीएफ फाइल की शक्ल में डाउनलोड हो जाते हैं पीडीएफ फाइल में, और वो पीडीएफ फाइल बच जाता है। और उसके बाद आप लोगों का जब वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप लोग जाओ, यहाँ पे पासवर्ड जो है वो मांगेगा, तो वो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। इंटर पासवर्ड में आप लोगों ने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और री इंटर पासवर्ड में आप लोगों ने वही पासवर्ड इंटर करना है जो ऊपर इंटर किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, पार्ट मिस ना किए। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है वो इंटर कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का जो निशान लिखा हुआ है वो इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है, जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है तो यहाँ पे अभी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और बहुत भाई क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, और वो बोलते हैं कि हमारा डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाता है लेकिन फ़ाइल नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा भी होता है कि आप लोगों का जो फाइल है, चेक द फाइल डाउनलोड फोल्डर ऑन योर डिवाइस। तो आप लोगों का जो फाइल मैनेजर होता है वहाँ पर जो भी डाउनलोड का फोल्डर होगा वहाँ पर जाके आप लोग अपने स्टेटमेंट चेक करेंगे, वहाँ से ही आप लोगों का ओपन होगा, यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, यहाँ पे लिखा भी होता है। तो बहुत भाई ये बोलते हैं कि हमारा डाउनलोड तो सक्सेसफुली हो गया है लेकिन ओपन नहीं होता है। तो आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने बैक जाना है, यहाँ से अभी ख़त्म हो गया जो भी काम था यहाँ पे एप्लीकेशन से ख़त्म हो गया है, आप लोगों ने एप्लीकेशन से आउट हो लेना है, इसको साइन आउट करें और फिर अपने डिवाइस में जाना है फाइल मैनेजर में। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया है, जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है तो अभी यहाँ पे जो भी फाइल डाउनलोड हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो UPL का जो यहाँ पे फाइल है स्टेटमेंट का PDF फाइल में वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों ने भी अपने फाइल को ओपन कर लेना, इस तरह का फाइल आ जाएगा। और आप लोगों ने अपने इस फाइल को ओपन करके अपना वो वर्क देना है। और यहाँ पे जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे पासवर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो वो पासवर्ड जो क्रिएट किया था पासवर्ड आप लोगों ने, वही पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर लेना है। आप लोगों ने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर आप लोगों ने इंटर करने के बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो भी स्टेटमेंट थे वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं और यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो बहुत भाई कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे नहीं हो रहे हैं, एक महीने का हो रहा है, 3 महीने का हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे जो भी आप लोगों ने डेट सेलेक्ट की होगी वही डेट यहाँ, वही डेट के रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होंगे आप लोगों के वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने डेट सेलेक्ट की थी यहाँ पर आप देख सकते हो 27 जुलाई और 27 जुलाई फ्राम और टू। तो इस तरह से आप लोग अपने स्टेटमेंट UBL डिजिटल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। और अगर आप लोगों का कुछ भी मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।